सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फरमाया कि ये दुआ करो तो ऐसे मत कहा करो, अल्लाह तू चाहे तो कबूल कर, तू चाहे तो रद्द कर, का ये रद्द ही है, ये रद्द ही है। इस यकीन से करो कि उसने वादा किया है, उदउनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। तो उसने वादा किया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो इस यकीन से करो कि अल्लाह तूने वादा किया है, मेरे मांगने की होशियारी नहीं है, मेरी देर होशियारी नहीं है, मेरा कोई मामला नहीं है, तूने वादा किया है तो तू अपने कर्म से कबूल करेगा और वो कबूल ही करेगा। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे फैसला करता हूँ। फिर जब दुआ करो तो दुआ करने की कबूलियत की निशानी यह है कि दुआ करने से पहले कुछ नेक अमल करो। मिसाल के तौर पे दुआ करने से पहले चुपके से सदका दो, खामोशी से सदका दो, हो सके तो दो रिकत नफिल पढ़ो, किबले की तरफ रुक करके बैठो, दो जानों बैठो, पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ो, फिर अपने गुनाहों से तौबा करो, फिर अल्लाह की बारगाह में मांगो, फिर कहा उसकी रहमत को महदूद मत करो, उसकी रहमत को महदूद मत करो। ये मत कहो अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, बल्कि ये कहो हमें ये दे, हमें ये दे, हमें ये दे। देखो हदीस, हुजूर ने जो दुआएं की है, रब्बना ऐ हमारे रब, आतिना अता कर हमें, फिर दुनिया हसना अच्छी दुनिया, व फिल आखिरत हसना अच्छी आखिरत अता कर, वकीना अज़ाब अन्नार और हमें अजाब से महफूज फरमा। यानी सबको मिलाओ। अब सबको मिलाने से फ़ायदा क्या? मैं दुआ कर रहा था मुझे दे, नेमत का मुस्तहिक न था, लेकिन कहा हमें दे, पूरी उम्मत को मिलाया तो पूरी उम्मत में कोई तो मुस्तहिक था, तो मैं मुस्तहिक ना था, वो मुस्तहिक था। मैं अपने लिए मांग रहा था, मुमकिन है मुस्तहिक ना था, ना मिलता, लेकिन अब वो पूरी उम्मत को मिलाया तो उम्मत में कोई ना कोई तो मुस्तहिक होगा। अब वो मुस्तहिक को मिलेगा तो मैं थोड़ी महरूम रहूंगा, क्योंकि मैंने सबके लिए मांगा है, तो उसके सदके में मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए सबको शामिल किया करो। और फिर अल्लाह ने हजरत मूसा कलीम से कहा, ए मूसा, मेरे मूसा, ऐसी जबान से दुआ कर जिससे तूने गुनाह ना किया हो। ए मूसा, ऐसी जबान से दुआ कर जिससे तूने गुनाह ना किया हो, वो दुआ कबूल है। अल्लाह के कलीम ने अर्ज की, मौला ऐसी जबान कहाँ से लाऊं, हालांकि ये तो तवाज़ो और आजिज़ी है, वरना अल्लाह का नबी तो मासूम है, अल्लाह का नबी तो मासूम है, अर्ज की ऐसी जबान कहाँ से लाऊं। अल्लाह ने फरमाया किसी बंदे से अपने लिए दुआ करवा, इसलिए कि उस जबान से तूने गुनाह नहीं किया। हालांकि नबी तो बेगुनाह है, लेकिन हमें तालीम दी जा रही है, आपने मेरी जबान से गुनाह नहीं किया, मैंने आपकी जबान से गुनाह नहीं किया, तो मेरी जबान आपके लिए दुआ करेगी तो कबूल होगी, और आपकी जबान मेरे लिए दुआ करेगी तो कबूल होगी। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मोमिन किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है, अच्छा यहाँ तो सामने दुआ करते, पीठ पीछे तो गीबत ही करनी है, बुराई करनी है, एक दूसरे की कब्र ही खोदनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई मोमिन किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है तो उसकी दुआ ऐसी है जैसे अरफात में हाजी की दुआ होती है और वो कबूल ही होती है। अब पता चला, दूसरी हदीस पाक में आता है, जब तुम किसी मोमिन के लिए दुआ करते हो, मिसाल के तौर पे अल्लाह फलां को रोजी अता फरमा, तो फरिश्ता कहते हैं अल्लाह के बंदे तूने उसके लिए रोजी मांगी, अल्लाह तुझे पहले देगा बाद में उसको अता फरमाएगा। इसलिए पीठ पीछे एक दूसरे के लिए दुआ किया करो, अल्लाह उसको मुसीबत से बचा, उसका अल्लाह उसको रहमतें अता फरमा। और दुआ में अव्वल भी दुरूद, आखिर भी दुरूद। इसलिए कि मौलाना इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना की अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ का शहपर है दुरूद। शहपर परिंदे में जो उसके बाजू होते हैं ना, कई पर होते हैं,
शह पर उसको कहते हैं जो बड़ा पर होता है और उसकी वजह से परिंदा ऊपर उड़ता है, उसको शह पर कहते हैं। तो कहते हैं दुआ का शह पर दुरूद है, वही दुआ ऊपर जाती है जो दुरूद के पर के साथ होती है। जिस दुआ में दुरूद नहीं होता फिर वो दुआ, फारूक आजम कहते हैं, जमीन और आसमान के दरमियान लटकी मौलक रहती है जिसमें दुरूद नहीं होता। इसलिए कि अव्वल दुरूद मकबूल, बाद में दुरूद मकबूल, अल्लाह की शान से बईद है कि वो पहला कबूल करे आखिरी कबूल करे बीच का छोड़ दे। पहला कबूल करेगा आखिरी कबूल करेगा तो बीच का भी कबूल ही करेगा। तो दुरूद पढ़ के दुआ किया करो, और फिर जब दुआ करो पेट में भी हलाल हो, जिस्म पर भी हलाल हो, इसका ख्याल करो। और जहाँ बैठ कर दुआ कर रहे हो ज़मीन पाक हो, अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है।